का टॉपिक है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स क्या होती है, इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि फ़ंड क्या होते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसको सब फंड की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो कहाँ से पैसा उठाएगा? बॉन्ड्स की मदद से, मतलब डेब्ट मार्केट से, और नहीं तो इक्विटी और शेयर मार्केट से, ठीक है। तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स, ठीक है। तो बॉन्ड्स क्या होता है बेसिकली, तो बॉन्ड्स होता है सपोज़ एक कंपनी है, ठीक है, तो इसको पैसों की ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर और क्रेडिटर से पास लोन के लिए जाता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको मनी मिल जाता है और वो अपने कंपनी में वो लगाता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर है, ये तो ऐसे ही उसको पैसा नहीं देगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि कोई लिखितों में ले लेना पड़ता है, तो उसको ही हम एक तरीके से बॉन्ड कहते हैं। तो अब देखिए बॉन्ड की कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है रिडीमेबल बॉन्ड्स और दूसरा होता है इररिडीमेबल बॉन्ड्स। तो रिडीमेबल बॉन्ड क्या होता है जिसमें विल रीपे रेगुलर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी। सपोज़ आपने कहीं पर पैसा रखा है, तो सपोज़ 5 ईयर्स के लिए रखा है, मैं मान लेता हूँ आप 100 रुपये, ठीक है, 2010 में किसी इन्वेस्टर के पास रखे हुए हो, तो उसके बाद से आपको 5 ईयर्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और उसके बाद 5 ईयर्स के अंत तक आपको अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी मिल जाता है। तो इस हमारा जो कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया था वो फिर से हम लोग रिडीम कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम है रिडीमेबल बॉन्ड्स। अब आते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज़ कोई बंदा इसमें 100 रुपये लगाता है 5 ईयर्स के लिए, और इसमें कोई फिक्स्ड ईयर भी मेंशन नहीं रहता है कि सपोज़ आपको इतने सालों के बाद मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि मे और मे नॉट गेट बैक प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आप पा भी सकते हैं और नहीं भी पा सकते हैं। ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि इसमें नहीं मिलता, लेकिन उसके तरफ से इसमें अगर देखिए तो आपको 2% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इसमें देखिए 20% का इंटरेस्ट मिलता है। तो हाई इंटरेस्ट रेट के वजह से सब लोग इसमें भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज जो है हमारा म्यूनिसिपैलिटी, वो लोग जो बॉन्ड इशू करता है, सपोज़ अपना म्यूनिसिपैलिटी इलाका में कुछ मशीनरी और कुछ डेवलपमेंट के लिए सपोज़ उनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, अपने म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में जो लोग रहते हैं उसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करता है, और उसके मदद से वो अपने इलाका में डेवलपमेंट का काम करवाता है। तो अहमदाबाद वाज द फर्स्ट टू लॉन्च म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। तो अहमदाबाद वो स्टेट है जो पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड सबसे पहले जारी किया था। उसके बाद 2020 में लखनऊ 19th city बना है इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाला। उसके बाद आ जाते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बॉन्ड क्या होता है, इसमें बोलता है कि 2014 में ब्रिक्स जो नेशन है वो लोग एक न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया था, जिसके हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। वो लोग उसके बाद फिर ब्रिक्स बॉन्ड जारी किया था टू मोबिलाइज मनी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अपने इस 4 कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो लोग क्या किया था, मतलब इस देश के नागरिक के लिए ब्रिक्स बॉन्ड जारी किया था। और इसका डिनोमिनेशन क्या है, मतलब आप कैसे इसमें पैसा लगा सकते हैं, वो है US डॉलर्स में। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक और बॉन्ड
और बॉन्ड आई, मतलब वर्ल्ड बैंक बॉन्ड को हम बॉन्ड आई की आई भी बोल सकते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था? नहीं, 2018 में ये वर्ल्ड का फर्स्ट बॉन्ड जो कि ब्लॉकचेन में ऑफर है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड आई और वर्ल्ड बैंक्स बॉन्ड। मतलब ये ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड हुआ है एंड इस क्रिप्टो करेंसी बेस्ड बेस्ड बॉन्ड पहला इशू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया हुआ है और इसका टेन्योर था 2 ईयर्स और इसका इंटरेस्ट परसेंटेज था 2%। और डिनोमिनेशन क्या है, मतलब आप कैसे इसमें इंटर कर सकते हैं, मतलब कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। सो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला जो कोई भी इंसान इसमें पैसा लगा सकता है। इसके लिए इसका और एक नाम कंगारू बॉन्ड भी है, मतलब बॉन्ड आई का एक और नाम है कंगारू बॉन्ड। इसके बाद आते हैं मसाला बॉन्ड। तो इसमें क्या है, दीज आर द रूपी डिनोमिनेट बॉन्ड्स, मतलब इसमें आप पैसा रूपी में ले सकते हो, मतलब ये रूपी में इशू करता है। और इसको कौन इशू करता है, वर्ल्ड बैंक सिस्टर एजेंसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसको लॉन्च किया था पहले। तो मसाला बॉन्ड क्या होता है ना, ये इंडियन पब्लिक सेक्टर एवं एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए ये बॉन्ड फर्स्ट इशू किया गया था। तो इसको मसाला बॉन्ड क्यों कहा गया, सपोज़ हम जो इंडियन है, इंडिया अपने मसालों के लिए विश्व में जाना जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ मसाला मैन्युफैक्चर कोई कंपनी अगर है, अगर उसको पैसों की ज़रूरत है और वो बाहर की मार्केट से उसको यहाँ पर लाना चाहता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है ना, वो मसाला बॉन्ड इशू करते हैं। अगर वही कुछ इंडियन कंपनी अगर इशू करेगा तो उसका वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इंडियन जो मसाला कंपनी है से वो IFC के पास जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के पास, उनको वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। इंडियन कंपनी क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इन लोगों को टू इशू बॉन्ड्स। अब IFSC उन लोगों को इशू करता है और ये ज़्यादातर सिंगापुर, लंदन या थाईलैंड में रहने वाला लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं इसको। तो क्या होता है, इसमें बाहर की लोग रूपी में, मतलब डिनोमिनेशन क्या है, रूपी में इस बॉन्ड को ख़रीदता है और वही रूपी इसमें वापस से इंडियन कंपनी को मिल जाता है। 2015 में RBI ने पहली बार इस एंटिटी को इशू किया था, मतलब मसाला बॉन्ड को इशू किया था अपने यहाँ, मतलब हमारे इंडिया में। और उसके बाद 2017 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इसको इशू किया था, मसाला बॉन्ड्स को, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, टू मोबिलाइज मनी फॉर इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट, मतलब हाईवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाना था। तो इसके लिए ये लोग क्या किया था, मतलब नेशनल हाईवे कॉरपोरेशन अथॉरिटी ने मसाला बॉन्ड इशू किया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बाद आ जाता है केरला। तो केरला ही एकदम से फर्स्ट वो स्टेट है जो मसाला बॉन्ड पहले इशू किया है, फॉर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉन्ड टू डेवलप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका टेन्योर कितना साल है, 5 ईयर्स का है। और टोटल साइज कितना लिया हुआ है, मतलब बॉन्ड की वजह से 21.5 मिलियन रुपीज़, क्योंकि इसका डिनोमिनेशन रुपीज़ है इसलिए हम रुपी में कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए, मसाला बॉन्ड यूजुअली इशूड बाई इंस्टीट्यूशन विथ ट्रिपल ए रेटिंग, मतलब जो इंस्टीट्यूशन पैसों नहीं डुबाता, मतलब वो जाना जाता है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ए स्टार, मतलब फर्स्ट स्टार, फर्स्ट क्लास रेटिंग जो है उन लोगों के तरफ से इशू किया जाता है मसाला बॉन्ड। उसके बाद आ जाते हैं पांडा बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसका इश्यूअर कौन है, नॉन चाइनीज़, ठीक है, लेकिन बोरो फ्रॉम चाइना, मतलब नॉन चाइनीज़ तो है लेकिन वो लोग कहाँ से बोरो करना चाहते हैं, चाइनीज़ से, मतलब चाइना का मार्केट से अगर वो लोग पैसा उठाना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पांडा बॉन्ड जारी करता है। डिनोमिनेशन क्या है, रूपी में, मतलब इंडियन कंपनी अगर
चाइना से कोई बॉन्ड इशू करना चाहता है तो उसको पांडा बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है महाराजा बॉन्ड। तो इशूअर कौन है? नॉन इंडियन, मतलब बाहर इंडियन, इंडिया का बाहर से अगर कोई है, अगर वो इशू करना चाहता है तो वो क्या करेगा? महाराजा बॉन्ड इशू करेगा। बोरो कहाँ से वो लोग बोरो करेंगे? इंडिया से, मतलब इंडिया से। उसका डिनोमिनेशन क्या है, मतलब किस रूप, किस करेंसी में आपको देना पड़ेगा? रुपये में। सो इसका प्रोसेस क्या है? इंडियन एक कंपनी है, ठीक है, मतलब फॉरेन में सपोज वो अपना काम करता है तो वो लोग क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक को टू इशू बॉन्ड्स, मतलब महाराजा बॉन्ड्स। तो उसमें से क्या होगा, अगर वर्ल्ड बैंक इशू कर देगा तो उसके बाद इंडियन पीपल अगर वो बॉन्ड खरीदेगा तो ये पैसा घूम फिर के वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा। उस अब वर्ल्ड बैंक से उसको प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन कंपनी को जो फॉरेन में या विदेशों में निवेश करता है। उसके बाद आ जाता है कौंसुल बॉन्ड। तो कौंसुल बॉन्ड क्या होता है? US गवर्नमेंट 1870 में एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट 1917 में ये बॉन्ड पहले बार इशू किया था। इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए एंड कंसोलिडेटेड एनुइटीज़, मतलब आपको इसमें आपका प्रिंसिपल नहीं भी लौटा सकते हैं ये लोग, ऐसे करके ये बॉन्ड उठाया जाता है। कंसोल बॉन्ड हैव नो मैच्योरिटी डेट, इसका कोई मैच्योरिटी डेट भी नहीं होता है। देयर आर इरिडीमेबल बॉन्ड्स, मतलब इसमें आपको घूम फिर का वही बात कि इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। इन थ्योरी, मतलब ये तो लिखा हुआ है इस बॉन्ड में, लेकिन थियोरिटिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या करता है ना, गवर्नमेंट कुछ सालों के बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देता है क्योंकि इसमें उन लोगों का बहुत खर्चा पड़ जाता है इसलिए। हाउएवर इन रियलिटी गवर्नमेंट में रिडीम द बॉन्ड्स आफ्टर सर्टेन ईयर बाय पेइंग प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कुछ सालों के बाद अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट नहीं पे करके इन लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर देता है। इंडिया में देखिए तो सम इकोनॉमिस्ट आर सजेस्टिंग दैट इंडियन गवर्नमेंट शुड इशू कंट्रोल कौंसल बॉन्ड फॉर पोस्ट कोरोना इकोनॉमी, मतलब कोरोना के बाद हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर कोई जो इकोनॉमिस्ट है वो सब भारत सरकार को इसके सजेशन दिया था लेकिन हुआ नहीं, मतलब उसके वगैरह भी हम लोग अपने इकोनॉमी को सस्टेन कर पाए। इसके बाद आ जाता है एलिफेंट बॉन्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है एक क्या बहुत बड़ा कुछ शायद होगा, मतलब इसमें 2019 मई में कॉमर्स मिनिस्टर्स डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला का जो कमिटी है वो फर्स्ट इंडियाज शेयर को ग्लोबल ट्रेड के लिए एलिफेंट बॉन्ड्स जारी किया था। तो एलिफेंट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका टेन्योर है 25 ईयर्स। तो इसमें कौन सा पीपल का, इसमें कौन लोग अपना स्टेक्स और बॉन्ड खरीदता है? सपोज़ कोई लोग है जो अपने अपने पास ब्लैक मनी रखा हुआ है और वो चाहता है उसको वाइट करे, वो भी मतलब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि आप लोग आपका जो ब्लैक मनी है उसका 1%, मतलब ज़्यादा ही होगा, 1% हम लोगों के पास रखे और ये लोग उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको बॉन्ड एलिफेंट बॉन्ड जारी करके विदेश में निवेश कर देते हैं और उसके बाद इन लोगों को 25 सालों के लिए कुछ अपना कैपिटल मनी भी नहीं मिलता इन लोगों को और इसके वजह से इसका कोई इंटरेस्ट भी इन लोगों को नहीं मिलता। यही इन लोगों का पनिशमेंट है। तो इसके लिए 25 ईयर्स ले लेते हैं, 25 ईयर्स के लिए ये वो ब्लैक मनी सरकार अपने पास रख लेते हैं और इसको बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डाल देता है एज ए बॉन्ड। इसके बाद आ जाता है ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड से आपको पता चल रहा है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसमें पॉल्यूशन नहीं हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, वही प्रोजेक्ट में वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च बाय वर्ल्ड बैंक इन 2017। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च बाय येस बैंक, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इशू युआन ग्रीन बॉन्ड्स। युआन आपको पता है, युआन चाइना में है,
तो इवन ग्रीन बॉन्ड्स ब्रिक्स ने जारी किया था। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और IREDA लॉन्च्ड इंडियन फर्स्ट मसाला ग्रीन बॉन्ड एंड लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन 2018। सो इस यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहला इंडियन जो मसाला ग्रीन बॉन्ड है वो कब लॉन्च किया था 2018 में, कहाँ पर, ना लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पे। उसके बाद 2021 में गाज़ियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फर्स्ट एवर ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया था इंडिया में। उसके बाद फिर 2021 में इंडियाज़ फर्स्ट एवर यूरो करेंसी डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स बाई पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और PFC ने इशू किया था फॉर एन NBFC अंडर पावर मिनिस्ट्री। मतलब ये बॉन्ड इशू किया था पावर मिनिस्ट्री के अंडर में और NBFC की तरफ से। उसके बाद आ जाता है ब्लू बॉन्ड। ब्लू नाम से आपको पता ही चल रहा है कि मेरीन मतलब समुद्रों से रिलेटेड है। तो ये सब टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स वेयर मनी बोरोड फॉर क्लाइंट रिसाइलेंट वाटर मरीन और फिशरीज सेक्टर के विकास के लिए, ठीक है, इन लो इसके लिए ये बॉन्ड इशू किया जाता है। 2018 में सिसिल्स और सिसिली जो हम पढ़ते हैं ना सिसिली द्वीप, वो फर्स्ट इशू किया था वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लू बॉन्ड, ठीक है, टू एक्सपैंड इस मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड फिशरीज सेक्टर। तो एक द्वीप है, आइलैंड है, इसके तो मरीन प्रोटेक्शन के लिए एंड फिशरीज सेक्टर के लिए ये लोग पहले ब्लू बॉन्ड जारी किया था। उसके बाद आ जाता है ESG बॉन्ड्स और एनवायरमेंट सोसाइटी एंड गवर्नेंस बॉन्ड। तो इसमें क्या है, मनी इज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। उसके बाद आता है कैटास्ट्रोफी बॉन्ड। तो कैटास्ट्रोफी बॉन्ड क्या होता है, गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनी इसको इशू करता है। इन्वेस्टर इज प्रोमिस्ड विथ हाई एनुअल रेट, मतलब इसमें इन्वेस्टर को हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या है, इफ़ नेचुरल डिजास्टर हैपन, मतलब एक डिजास्टर के लिए लिया जाता है, देन द प्रिंसिपल अमाउंट विल नॉट बी रिटर्न। मतलब अगर कोई हादसा हो और अगर नेशनल कैलामिटी और डिजास्टर आया तो आप अपना, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। और अगर इफ़ डिजास्टर डज नॉट हैपन, मतलब डिजास्टर अगर नहीं हुआ तो फिर आप आपका इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न पा जाएंगे। इसके बाद आ जाता है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो 2019 में SIDBI फर्स्ट इशू किया था इस बॉन्ड को, 300 करोड़ का ये बॉन्ड है, किसके लिए, वुमेन्स लाइवलीहुड बॉन्ड के लिए। और ये बॉन्ड सिर्फ अकेला SIDBI ने नहीं निकाला था, इसके साथ UN वोमेन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक भी शामिल था। इसमें क्या बोल रहा है, दिस बॉन्ड्स विल ऑफर्ड टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब इस बॉन्ड को जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है उन लोगों के पास उनको ऑफर किया जाता है। और इम्पैक्ट इन्वेस्टर, मतलब जो लोग रिच पीपल है और इनडायरेक्ट सोशल सर्विस में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये बॉन्ड इशू किया जाता है और उन लोगों को ऑफर किया जाता है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, देखिए, दे विल अर्न 3% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 10 ईयर ऑफ 5 ईयर्स। मतलब ये लोग ऐसे ही नहीं दे देते सोशल सर्विस में, इनके इसके लिए इन लोगों को 3% का एनुअल इंटरेस्ट रेट भी मिलता है 5 ईयर्स के लिए। और मनी कलेक्टेड विल बी सेंड टू SIDBI, मतलब जो इसके वजह से जो मनी उठता है इसमें से बॉन्ड से, वो SIDBI को भेज दिया जाता है, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ बैंक में। देन SIDBI विल सेंड इट टू द माइक्रो फाइनेंस। देन SIDBI क्या करता है, जो माइक्रो फिनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है और सेक्टर्स है और इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को दे देता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। देन इट विल बी लोन टू द इंडिविजुअल वुमेन। उसके बाद ये लोग क्या करता है, मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये लोग वुमेन इंडिविजुअल को और एंटरप्रेनर्स को ये वो लोन प्रोवाइड करता है फॉर फूड प्रोसेसिंग, मतलब अचार वगैरह बनाने के लिए, और एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के लिए। इसके बाद आ जाता है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। 2021 में स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड इशू किया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने, मतलब NSDC में, विद द हेल्प ऑफ हेल्प फ्रॉम ग्लोबल पार्टनर्स। मतलब कहाँ से ये लोन उठाए थे,
ग्लोबल पार्टनर्स है लाइक यूके, दुबई एट्सेट्रा। इन देशों से ये स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड का जरिए से पैसा उठाया था। इसके लिए इसमें 14.4 मिलियन डॉलर इन लोगों ने उठाया था फॉर स्किलिंग 50,000 इंडियन यूथ्स फॉर जॉब, मतलब 50,000 इंडियन यूथ्स को जॉब दिलवाने के लिए और उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए ये लोन उठाया गया था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट।